बद्री चौधरी इस चीज का ख्वाहिशमंद है कि हम देखना चाहते हैं आसमान से कैसे खुल के आए क्या जी, तो हमसे मिले आगे क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। खुद आदमी पकड़ के कहेगा कि वाकई ही इस कबूतर ने सुबह से शाम तक की परवाज करके उड़ करके आया, वो खुद बताएगा कबूतर। चलिए तो दोस्तों हम आ गए हैं आदिल भाई के यहाँ नदी, आपको ऐसी ऐसी जगह शो कराने के लिए लेकर आता हूँ। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं आदिल भाई के यहाँ। अच्छा ये गिर नसल की है। अच्छा दूध वूध देती है साहब ये ढंग से? अब भी आएगी वैसे, कितना दूध होता है इसके नीचे गाय? अरे भाई मार मत देना जर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी मैंने आपको दिखाया हम कैसे कैसे रास्तों से चलकर आदिल भाई नदी यानी के टोंक के अंदर, नदी को हम नदी कहते हैं एक्चुअली लोग कहते हैं कि नदी क्या है, बहरहाल हम आए हुए हैं आज आदिल भाई नदी के यहाँ और यहाँ पर माशाल्लाह उस्ताद हैं, उस्ताद नसीब भाई हैं और उस्ताद प्यारे मियाँ हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं आज, खास मकसद हमारा आने का ये है कि टोंक की कबूतर परवाजी जो है माशाल्लाह बहुत लेवल जो है बहुत आगे माशाल्लाह जा रहा है और उसको देखते हुए हम कुछ सम्मान करने के लिए हम भी आए हैं और साथ में हमारे हरियाणा से अर्जुन भाई आए हैं, प्रमोद भाई, रोहित भाई आए हैं और माशाल्लाह काफ़ी साथी हैं और बाकी सब लोग आप जानते ही हैं। तो दो शब्द जो हैं, दो लफ्ज़ जो हैं, हम चाहते हैं कि उस्ताद नसीब भाई इस पूरी मौजूआत के ऊपर खूबसूरत से बोले इन कबूतर वाले। वालेकुम सलाम उस्ताद। देखिए साहब बात ऐसी है कि बोलने का तो ये है जी कि ये आदिल जो है जी जो नदी कहलाती है तो ये क्या है, नदी के किनारे ही इनके खेत हैं जी, पीछे नदी है और ऊपर खेत हैं, इस वजह से नदी वाले कहलाते हैं जी। हमारा भतीजा है ये, मेरा दोस्त है, इसका बच्चा है मुन्ना का माशाल्लाह। और कबूतरबाजी तो ऐसा है इसका लाजवाब है, आज ही नहीं जी तकरीबन 15 से 20 साल हो गए इसको, हर साल नाम करता है। और सबसे बड़ी खूबी ये जी के कबूतर ईमानदारी से उड़ाता है, यहाँ रहता नहीं है जी। ये देखो सामने ये टीन है जी, ये पूरी हमारी छत है ये जी। इस छत पे भी बाबा साहब से जो बाजी थी उसमें एक बैठ गया यहाँ और बैठते हैं कबूतर, यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, इस कम्बे पे भी बैठते हैं जी। तो उन्होंने कहा भाई फेल तो फेल, लेकिन फिर भी अल्लाह को इज्जत देना थी जी, तो ये जीता। हार जीत कोई बात नहीं है लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी से, और बहुत लाजवाब है, अखलाक बहुत अच्छे हैं जी जी, इज्जत इतनी करता है बहुत, बहुत, कि कुछ कह ही नहीं सकता मैं तो। माशाल्लाह हर साल इनाम बहुत अच्छा उड़ाता है, जीतता भी है, बाजियां भी जीतता है, इनाम में भी जीतता है। उस्ताद प्यारे मियां हैं, ये कुछ डिटेल हमें बताएंगे यहाँ पर जो अभी कबूतरबाजी हुई किस किस तरीके से माशाल्लाह उड़ाने थी। वालेकुम सलाम। देखो जी रिजवान भाई जी, अपना तो ये माशाल्लाह तो बचपन से शौक कर रहे हैं जी, शागिर्द तो बने 2 साल जी जी, और आज इन्होंने ऐसा इतिहास बना दिया कि मेरे ख्याल से कबूतरबाजी के इतिहास में 21 कबूतर 190 घंटे बने, आज तक नहीं बने कभी 190 घंटे, उसमें एक कैंसिल भी, एक कैंसिल है, 19 कबूतरों के 190 घंटे बने अपने राजस्थान के अंदर। क्या बात है, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं आदिल भाई को। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पर कबूतरबाजी करते हैं हमारे आदिल भाई, तो हम चाहेंगे इनको सम्मान तो अल्लाह ताला देता है, हम क्या किसी का सम्मान कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वो इज्जत देने वाला है और जिसको वो इज्जत देने पे आए वो उसको कोई जलील नहीं कर सकता और जिसको वो जलील करना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती। चलिए तो दोस्तों हम आप जाइएगा मत मायूस होकर, क्योंकि आपको यहाँ पर कबूतर जो टॉप क्लास यहाँ पर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में भी दिखाया
आदिल भाई के यहाँ जो अच्छा परफॉर्म किया है जिन कबूतरों ने, उन कबूतरों का मैं चाहूंगा कि उस्ताद के हाथों 3 कबूतरों का ही शौक करा दें, लेकिन हमें शौक जरूर कराएं इस वीडियो के अंदर, ताकि लोग देखें और प्यार मोहब्बत से शौक करें। तो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पर लाइए सब, एक मिनट माला लिए उस्ताद ऊपर आपकी वाली टोपी, ये नसीब भाई को, ये नसीब भाई को माला इसलिए कि माशाल्लाह इंसाफ जो है, इंसाफ पसंद है और ये बहुत अच्छी बात है, और हर एक इंसान में ये होना चाहिए खूबी कि आदमी सच्चाई से काम करता रहे। मैं बड़ा इनसे खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफी शौक आगे बढ़ा है इनकी वजह से। क्यों उस्ताद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, चला रहे हैं इस टाइम ये जी जी टॉप के शौक में, इनकी वजह से टॉप पे क्या, बल्कि बाहर शहरों में भी आना जाना ज्यादातर, मतलब क्या है रुझान इनका बहुत शौकीनों की तरफ ज्यादा रहता है। और एक जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है ना इनमें जी जी, वो ये है कि किसी भी पार्टी का कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, सबको एक जगह जोड़ के रखते हैं और सभी का हौसला अफजाई में आगे रहते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है, इंसाफ पसंद है और होना चाहिए। देखिए हकीकत बात है, एक हमें भी दे दे ये आदिल भाई को, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे भाई को माशाल्लाह, और वाकई में दिल खुश हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये लोकेशन भी ऐसी प्यारी है कि यहाँ आने में वाकई मजा आता है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने यहाँ पहला शोक करवाया था, जब से ऐसा है कि अगर मैं टोंक आता हूँ तो यहाँ आना लाजमी है, और माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आदमी है। शाहिद भाई को पहनाओ, सबको पहना दो, और है ना माला, लाओ इधर दो, एक और लाओ, स्वागत असल तो तू ही है। मुन्ना भाई कहाँ है, लाओ इधर दो मुन्ना भाई को, और एक सेकंड इधर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो कमजोरी है वो यही है कि जहाँ बुजुर्ग देखे वहीं घंटों बैठ जाता हूँ, और यहाँ पर जो बड़ा नाम है मुन्ना भाई का, जो कि आदिल भाई के वालिद हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर आपको पहली, आज से 5 साल पहले मैंने इनके हाथों से कबूतरों का शौक भी करवाया था, और मैं चाहूँगा कि एक कबूतर का ये भी शौक करवाएंगे, क्योंकि असल कबूतर जो है यहाँ पर जो उड़ रहे हैं आज, इनकी बदौलत है, क्योंकि इन्होंने वो कबूतर रखे हैं उस जमाने में। और कितने टाइम से कर रहे हैं साहब आप, 30-35 साल हो गया, 30-35 साल से माशाल्लाह। तो एक बार इनके लिए भी ताली है जी जी जी, तो अब ऐसा है तो मैं आपको शौक करवाता हूँ, अब एक मिनट मैं भी तो स्वागत करूँ ना मेरे दोस्त का। भाई ये हमारा दोस्त है, आदिल के वालिद हैं ये, और मुन्ना भाई इनका नाम है, अल्लाह का शुक्र है, शहर में कहीं भी नाम ले दो पहचानेंगे लोग, और ये हमारे कम से कम 35 साल पुराने दोस्त हैं, और इन्होंने बहुत लाजवाब शौक करा इनकी जवानी में भी, और अब आदिल कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से खुश होकर मैं अपने दोस्त का सम्मान करता हूं भाई। वाह साहब, तो दोस्तों इसी तरीके से कबूतरबाजी आगे बढ़ती रहे, और ऐसे इसी ऐसा ही शौक है कि आदमी ऐसे हंसते रहे, एक इंटरटेनमेंट का आपका जरिया है, ना कि परेशान होने का। सिरदर्दी का कोई शौक नहीं होता, जिसको सिरदर्दी करनी है वो नहीं करे, और जिसको इंटरटेनमेंट करना है उसको इंजॉय करना है। आइए, ये एक हमारे उस्ताद के साहबजादे माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, माला लाई भाई, ओ उस्ताद जानशीन है साहब, जानशीन है माशाल्लाह, वालिद साहब आए आते हैं अभी उस्ताद, और साहब माशाल्लाह जवाब नहीं, इसने हमारे टोंक के जो इनाम था 11 कबूतरों का जी, क्या लाजवाब कबूतर उड़ाए, हालांकि कबूतर तो हमारे ही घंटे काटे हैं इसने जी, लेकिन बहुत लाजवाब उड़ाए हैं, जवाब नहीं इसका, ताली है, ताली है, ताली है। थैंक यू। देखिए साहब, ये रिजवान भाई हैं जिन्हें रिजवान साबरी के नाम से जाना जाता है, और माशाल्लाह इनका जो है हिसाब किताब ऐसा हो गया है कि इन्होंने जो लोग कबूतरबाजी को जानते ही नहीं थे कि कबूतरबाजी भी कोई चीज है, इन्होंने टोंक ने, जयपुर ने, राजस्थान ने, इंडिया में जन्मा दिया,
लाजवाब तरीके से आदमी को समझाने का जो तरीका है कबूतरबाजी का, वो इनका लाजवाब है। और अल्लाह ने इनको इज्जत भी इतनी ही दी है कि पहचान के मोहताज नहीं है, और जहां जाते हैं वहां छाप छोड़ के आते हैं। तो भाई मैं इनका भी स्वागत करता हूँ दिल से। ये हमारे बड़े उस्ताद हैं और आज इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये प्यारे इनका, इन्हीं की मोहब्बतें हैं जो आज, क्योंकि जब तक हमारा इन बुजुर्गों का सर पे साया है, इंशाल्लाह हम ऐसे ही रहेंगे। तो बहरहाल आपको उस्ताद को मीठा सबसे पहले, और ये हमारे उस्ताद प्यारे मियाँ, और ये जो विनर हैं कबूतरबाजी में, विनर के जो वालिद हैं उनको सबसे पहले मुन्ना भाई, और अब जो हेलो विनर के साहबजादे वालेकुम सलाम के जो हमारे छत मालिक हैं जो कबूतर, क्या हो गया? तो दोस्तों ये तहसीन भाई का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। कौन? तो ये आपने अज्जू भाई, भाई दो मिठाई दो, और कोई है? राइज भाई को दो, राइज भाई कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, लीजिए दो। ये अज्जू भाई बात करवा दे, मेरी बात करवा दे। राइज भाई आ रहा है, कहाँ है राइज भाई? यार पीछे क्यों रहते हो आप? वालेकुम सलाम, बढ़िया है, ठीक है। अपना बच्चा ही है ना, अपना भाई है छोटा जी। नासिर भाई, नासिर भाई कौन भैया? आदिल भाई के साथ ये सब माशाल्लाह हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि उस्ताद हमें जो है इस ड्रेस के अंदर, उस पगड़ी पहन के दो कबूतरों का ये शो कराएं, और एक कबूतर का आदिल भाई और ये तहसीन भाई, माशाल्लाह हमारे उस्ताद के दो अनमोल रतन। तो बहरहाल ये तहसीन भाई हैं, एक कबूतर का शौक तहसीन भाई कराएंगे, तो चार कबूतरों का आपको शौक कराया जाएगा इस वीडियो में। और मैं आता हूँ अब कैमरे के पीछे। तो आपको बात है कि सारे कबूतर हमारे घर के जोड़ों के हैं जी। मेरे तीन से जो लाइन से कलमुई कबूतरियाँ दिख रही हैं जी, ये उस्ताद के घर की हैं जी, और ये कबूतर हमारे घर के हैं जो एक उस्ताद ने पकड़ रखा है, एक ये हमारे वालिद साहब ने पकड़ रखा है जी, एक रईस भाई ने पकड़ रही है। क्या तीन कबूतर हमारे घर के हैं, ये सारे कबूतर सब 6 बजे बाद से इन्होंने 9 से 10 उड़ाने उड़ी हैं जी, माशाल्लाह। कोई भी उड़ान 6 बजे से पहले की नहीं है, माशाल्लाह। सब 6 बजे बाद की उड़ान है, राजस्थान के अंदर भी सब 6 बजे बाद बैठे हैं, अच्छे कबूतर बैठे हैं। ये वही कबूतर आसमान से आते हैं साहब सीधे जी जी, लोग देखते हैं इनको बिल्कुल आसमान से देखते हैं, फिर गेंद की तरह बांधते हैं। जब भी राजस्थान के अलावा भी बाजियों का अंदर भी जी, जब भी मुंशिफ ने कहा तुम्हारा फला कबूतर दिखाओ, तो हमने कहा 10 मिनट चबूतरे पे लेटो आप, अच्छा फिर देखो, फिर देखो तो अब आसमान से कबूतर गोल गोल खुल के आया। और आज भी अगर कोई इस चीज का ख्वाहिशमंद है, हम देखना चाहते हैं आसमान से कैसे खुल के आए क्या जी, तो हमसे मिले आगे क्या। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। खुद आदमी पकड़ के कहेगा कि वाकई ही इस कबूतर ने सुबह से शाम तक की परवाज करके उड़ करके आया, वो खुद बताएगा कबूतर। ईमानदारी से उड़ते हैं यार, क्या बात, पूरा शहर गवाही देता है। तो उस्ताद इसके बारे में एक एक कबूतर का, आप सबसे पहले उस्ताद मैं मुन्ना भाई से कहूंगा सबसे पहले कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, और फिर उसके बाद नसीब भाई शो करवाएंगे। आप ये कबूतर देख लें, वाह 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 दोस्तों, क्या नस्लें हैं ये देखें आप, पुरानी ये पीवर टॉप के कबूतर है साहब, क्या बात है, बाहर का उड़ाते नहीं कबूतर, देखें आते नहीं, कोई मेलदार कबूतर नहीं है, ओरिजिनल टॉप की ब्रीड है ये। और ये नसीब भाई हमें शो करवाएंगे, नसीब भाई उस्ताद ने जो कबूतर पकड़ा रखा है इनको खुद को भी इसी कलर और इसी कॉम से शौक है, ये हम बहुत 25-30 साल पुरानी कॉम है ये हमारे यहाँ नसल। उस्ताद जी अब और दिखने में ही नहीं होते, हाँ देखिए आज टॉक के अंदर इस नसल को उड़ाने में आदमी सोचता ही नहीं है किसे उड़ाएं जी जी, पर काट के रखता है, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कि ये यहाँ पर उड़ाता है, और अच्छे ही कबूतर उड़ते हैं बेशक बेशक। और ये जो ये है बात पकड़ लेगी, ये अभी राजस्थान में भी 6-15 बैठी है जी जी, अज्जू भाई हमारे खास दोस्त जी जी, जो देखिए उड़ा रही इसके साथ जी, अज्जू भाई माशाल्लाह दोस्तों आपके यहाँ, अज्जू भाई के यहाँ भी मैंने शो करवाया कलमुओं का, बहुत अच्छे, और इंशाल्लाह अभी ये 15 दिन बाद और आप देखिएगा, फिर आप धड़ाधड़ वीडियोस देखेंगे टोंक की, मौसम अच्छा हो जाएगा, अभी सर्दी और कोहरा बहुत है। ये उस्ताद प्यारे मियाँ के पास देखें आप क्या खूबसूरती लिए हुए, उठा लीजिए उस्ताद
जी तहसीन भाई बताइए इस कबूतरी की। रन भाई कबूतरी और ये कबूतरी आगे पीछे बैठती है जी जी, 6 बजे बाद भी बैठती है दोनों कबूतरी है। इत्तेफाक से आती है दोनों जंगलन रख रखा जंगलन। अच्छा वाह 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 वाह, कबूतरी में बहुत अजीज है, बहुत पसंद है मुझे कबूतरी। आग दिखाएं तहसीन भाई इसके ऊपर। सातकिया की ब्रीड है हमारे उस्ताद के की, उस्ताद प्यारे मियां के जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कल मुहे कबूतर यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कबूतरों का शो करवाया आदिल भाई नदी के यहाँ, और दोबारा इंशाल्लाह मौसम जब बेहतरीन होगा इंशाल्लाह आपको शो करवाया जाएगा। अभी बेचारे रंग रोगन में ज्यादा हैं, तो सब मोरे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टैम्प लगी हुई है सब पे, देख ले आप। तो अभी ये नहा धो करके 15 दिन में इंशाल्लाह ऐसे हो जाएंगे। एक कबूतर पे 10-10, 8-8 मोरे हैं माशाल्लाह, सारे देखे आप दोस्तों, बहुत ही उम्दा। अब मिट मिटा गए, कलर से ज्यादा मोरे लगी हुई है। रईस भाई बताएं आप इसके बारे में। ये हमारे घर की ब्रीड है जी, पुरानी ब्रीड है, इसके भी कई बच्चे भी शाम को आते हैं। क्या बात है, अच्छी उड़ान अच्छे प्रवास करते हैं। और ये कुछ 4-5 साल की कबूतरी है जी, और ये बराबर उड़ती चली आ रही है और वही शाम को बैठती है। क्या बात है दोस्तों, आप ये देख ले, मैं अब आपको सेटअप भी दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके का। और हमें, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर नसीब भाई हमें एक बार, और उस्ताद प्यारे मियां दोनों ही हमें यहाँ पर अंदर और इधर की एक बार लोकेशन दिखाएं, कबूतर खाना किस तरीके का है क्या है, मतलब हमें ज्यादा लाओ लश्कर करने लेने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं साहब ये भी हो और वो भी हो, तो आप देखें ज्यादा कुछ क्यों उस्ताद, अपना तो सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, पूरा जंगल टाइप है, और माशाल्लाह फिर भी परवाज जो है न, वो माशाल्लाह वो अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल साफ सवाल अच्छी होना चाहिए। देखिए आप कितना कच्चा, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग खेतों के अंदर कबूतरबाजी कर रहे हैं, और हमारे साथ भी हैं, अभी आपकी बात करवाई जाएगी, जो कि हरियाणा से आए हुए हैं, और ये पूरा आप देख लें कितना जबरदस्त बैठने का यहाँ पर इंतजाम, और बहुत ज्यादा ये नहीं कि चंदन की लकड़ी लगवाऊंगा जब कबूतर उड़ेंगे ये देखें आप, बहुत ही बेहतरीन साहब। और ये दूसरा सेटअप है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें कितना बेहतरीन यहाँ पर इंतजाम, शानदार। उस्ताद यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आती, नेवले वेवले आप अभी भगा रहे थे यहाँ पर? नेवले भी आते हैं, सांप भी आते हैं, अभी वो पैटागोरी भी गई थी जी जी, लेकिन क्या है ईमानदार लोग हैं, अल्लाह के भरोसे पे रहने वाले लोग हैं तो इसलिए अल्लाह सबका ध्यान रखता है। क्या बात है उस्ताद, यही तो बात है जो दिल जीत लेती है। तो भाई सब कुछ ये है, अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत की उनकी गिजा रखी है बेशक बेशक, तो मंजूर है, वो भी मंजूर है, वो भी मंजूर है, मार दिए ने वाले ने मार दिए। अच्छा हाँ, तो दोस्तों फिर भी देखें आप माशाल्लाह किस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखा दूं पूरी लोकेशन आपको सरसों के खेत है भाई, ये सरसों भी देख लें भाई, बड़े पास से आपको दिखाते हैं, इन सरसों का भी मजा लें। ये पूरे सरसों के खेत आप देख रहे हैं, और पूरी आपको यहाँ पर मंजर दिखाया जाएगा, और बाहर की जानवर को नुकसान, बहुत ही शानदार जबरदस्त पूरा जो जी वाह वाह यार, ये तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गाय। तो दोस्तों ये पहले तो भैंसे देख लें आप, ये कौन सी गाय है? अरे भाई मार मत देना जर। अच्छा जी ये गुजराती, अच्छा ये हरियाणा की है। तो दोस्तों ये हरियाणा की भैंस भी देख लें यहाँ पर, हरियाणा वाले भाई साहब हैं, इन्होंने भी ओके कर दिया जी। ये आप हरियाणा से आए, पूरा नाम बताएं और पूरा अपना। रोहित जी जी, यादव नाम है मेरा, रोहित यादव साहब हमारे अजीज दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, और इन्होंने जो है मोहर लगा दी कि हाँ भाई हरियाणा की भैंस है। ये भी देख लें आप, ये कहाँ की है साहब? ये देसी यही गांव की टोंक की गाय, वो सॉरी भैंस जी। और ये कौन सी है सब? ये बिल्कुल अलग टाइप की है। अच्छा ये गिर नस्ल की है। अच्छा दूध वूध देती है साहब ये ढंग से? अब भी आएगी। वैसे कितना दूध होता है इसके नीचे?
अच्छा, मतलब देसी गाय कह सकते हैं हम इसे? अच्छा, देसी नहीं है, क्रॉस ब्रीड। चलिए तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर मंजर, किस तरीके की कबूतरबाजी यहाँ पर, जबरदस्त कबूतर दिखाए यहाँ पर उस्ताद के हाथों से। माशाल्लाह, ये हमारी खुश नसीबी थी कि ऐसे बुजुर्गों ने और बड़े उस्तादों ने हमें शौक करवाया, उस्ताद नसीब भाई ने और उस्ताद प्यारे मियाँ ने, तो आपने ये सब कबूतर देखे। बहरहाल, ये शौक इसी तरीके से, जिस तरीके से हमें बताया उस्ताद नसीब भाई ने, इस तरीके से ही हमें शौक करना है, ना कि परेशान होना है, टेंशन लेना है। तो आप जरूर बताइएगा आपको यहाँ पर कबूतर कैसे लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ, अगर आपने जयपुर टॉक पिजन्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।